प्रदीप को रोकने की, और क्या लगता है आपको कि क्या कहाँ तक आप सक्सेस हो पाए? मैं ऐसा मानता था कि प्रदीप पे जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन हमने उससे ज़्यादा सुरेंद्र गिल पे बनाई थी कि प्रदीप अगर हम दो तीन कैच मारेंगे तो सुरेंद्र पिछले दो तीन मैचों में सुरेंद्र कंटिन्यू अच्छा कर रहा है, तो उस पर काफ़ी हम हद तक हम सक्सेस हुए। और लेकिन डिफेंस ने गलतियां भी की और अच्छा भी खेला डिफेंस, क्योंकि दूसरे जो राइडर थे उनको नहीं चलने दिया ज़्यादा। हाँ, और जो मेरे रेडर थे, हम कैप्टन थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और दूसरे रेडर थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो आज दोनों यूनिट थी, उन्होंने अपना बेस्ट किया। लास्ट में तो वो ये सिचुएशन में गेम ये आ जाता है कि हमें जीतना है, लूज हो जाती है टीम, एक बोनस दे दें या एक पॉइंट चला जाए, दो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन तो गेम जीतना है। तो उस सिचुएशन में अगर पॉइंट चला जाता तो कोई मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन जब रिक्वायरमेंट थी तो डिफेंस अपना बेहतरीन काम किया डिफेंस ने, और रेडिंग में भी बहुत अच्छा कैप्टन ने अपना आज बेस्ट जो रोल था वो किया, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने बेस्ट टीम को जो रिक्वायरमेंट थी उसने दी है, और दोनों यूनिट अपना बेस्ट खेली, इसलिए मैच जीत पाए। कैप्टन के बारे में दो सवाल आपसे, एक कि आपने क्या उन्हें बोला था कि ऐसी परफॉर्मेंस हो, और आज वो क्या खा के आए थे कि वो ऐसी परफॉर्मेंस? मैं ऐसा देखो, जो पिछले चार से पाँच सीजन है चंदन रंजीत ने अपना बेस्ट दिया, मैं इसको बोलता हूँ कि जो तेरा गेम है वो खेल, वो थोड़ा क्या है स्टार्टिंग में एक तो कैच होगी तो वो थोड़ा नर्वस सा हो जाता है, तो मैं ये बोला तो तुम नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जो हम प्रैक्टिस में जो करते हैं, प्रैक्टिस में जो तू करता है उसका तू 80% भी देगा तो हम नेचुरल हम विन होंगे, जो तेरा बेस्ट गेम है क्योंकि प्रैक्टिस में वो बहुत अच्छा करता है, और जिस तरीके से वो प्रैक्टिस में खेलता है आज वो मैच में खेला फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगा जो प्रैक्टिस में जो करता है वो आज उसने अपना बेस्ट दिया। मुझे तो तुम समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या बोल रहे हो, बोलते रहो जो भी अच्छा लगे बोलो। और कोच आपकी रीडिंग डिपार्टमेंट 70% पॉइंट लिया आपकी वोटिंग राजेश और खान ने, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं वही कह रहा था, जो रेडिंग ने तो अपना बेस्ट किया है, उसके साथ साथ डिफेंस ने भी उनको सपोर्ट किया, क्योंकि पिछले तीन चार जो मैच खेले प्रदीप तो लास्ट मैच में अपना बेस्ट किया था, और हमारा इतना वो नहीं था कि हमें इतना नहीं था कि प्रदीप को तो आप देखो हमने तीन से चार रेड में एडवांस टैकल किया कि उसको मारे तो लास्ट में वो पॉइंट चले गए, अदरवाइज जो सुरेंद्र गिल पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेस हुए, उसी वजह से हम मैच जीते, ये मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल मिलता था, वही बोला था कि उसको स्ट्रगल नहीं करना है, सिंगल एक पॉइंट दो तो मार्जिन रहता आराम से, अब उन्होंने मार के जब वो तीन चार पॉइंट दिए तो वहीं पर मार्जिन कम हो गया, तो मैं उनको बोला था एक सिंगल पॉइंट से ज़्यादा मत दो, क्योंकि अगर हम मारने में जाएंगे तो हो सकता है मैच खराब ही हो गया, तो एक सिंगल पॉइंट दो, तो वो स्ट्रेटेजी चल रही थी जब तक अच्छा था, और लास्ट में जब वो गड़बड़ किया तो उसकी वो चले गए। डिफेंस बहुत खराब खेला हमारा और उसी की वजह से मैच खेलते हैं। सुरेंद्र गिल की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही लेकिन डिफेंस नहीं रोक पाया, तो वो सब बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। सुरेंद्र गिल तो अच्छा करा, प्रदीप ने भी अच्छा करा, लेकिन डिफेंस ने ज़्यादा गलतियाँ की। सर आपने सुरेंद्र को ज़्यादा राइड किया स्टार्टिंग में, सुरेंद्र को ज़्यादा राइडिंग चलने किया तो मिला, तो सेकंड आपने वो प्रदीप ने अच्छी से राइड किया, तो स्टार्टिंग से प्रदीप को राइड किया तो वो पॉइंट्स आ जाते ना? नहीं, राइड तो दोनों ही ले रहे थे, लेफ्ट राइट के राइडर दोनों
वन बाई वन रेड मार रहे थे वो तो ऐसा कुछ नहीं, कभी कोई ज़्यादा दो चार रेड किसी रेडर की ज़्यादा हो जाती है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है तो उस वजह से चल रहे थे। तो बिल्कुल उलट ही हो गया उसके, जो प्लानिंग था वो तो यही था कि उनके रेड पॉइंट इतने पॉइंट धोने का कोई मतलब ही नहीं था जितने पॉइंट दिए, और एडवांस टैकल की वजह से ज़्यादा पॉइंट दिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं किया था, इतना चंद्र रंजीत अच्छा रेड रहा ये तो जरूर था, लेकिन इतने पॉइंट का नहीं था कि इतने पॉइंट ले जाएगा। नहीं कम बैक तो करेंगे भी अब नेक्स्ट मैच के लिए, फिर जो गलतियाँ हुई हैं तो उन्हें नहीं दोहराएंगे दोबारा, फिर अच्छा था अगला मैच नेक्स्ट मैच है तो उसमें अच्छा करेंगे।